अध्यात्मिक सेवा संस्थान अध्यात्मिक ज्ञान की गंगा बहाएगा मानस भवन में। आध्यात्मिक सेवा संस्थान चिन्मय मिशन, जो कि समाज को सुख शांतिमय बनाने में आध्यात्मिक ज्ञान की भूमिका को निभाता है, यही गुण समाज में सुख शांति व समरसता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिन्मय मिशन के अनेक सन्यासी व ब्रह्मचारी देश विदेश में ज्ञान के प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में चिन्मय मिशन के स्वामी अभेदानंद जी दक्षिण अफ्रीका से रीवा आकर 1 अगस्त से 6 अगस्त तक शाम को 6 बजे से 8 बजे तक मानस भवन में रामचरित मानस के भारत चरित प्रसंग पर प्रवचन देंगे। वहीं 2 अगस्त को सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक मांडुक्य उपनिषद पर प्रवचन देंगे। स्वामी जी उच्च कोटि के आध्यात्मिक साधक होने के साथ वेदांत व भक्ति शास्त्र के कुशल वक्ता भी हैं। चिन्मय मिशन ने रीवा वासियों से इस मौके का लाभ उठाने की अपील करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मानस भवन पहुँचने के लिए कहा है। इस बारे में चिन्मय मिशन के डॉक्टर सज्जन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। जो देश में और विदेश में आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों के बारे में जनमानस को अवगत कराती है और साथ साथ अन्य विधाएँ भी हैं, जैसे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और युवकों के लिए, जिसमें उनको अपने अपने फील्ड में अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो सके और सही तरीके से जीवन भी जिए। यह इंग्लिश भाषा में स्वामी चिन्मयानंद जी ने शुरू किया था, लेकिन अब सभी रीजनल भाषाओं में इसके स्वामी और ब्रह्मचारी हैं, जो कि इस संदेश को पूरे देश में फैला रहे हैं। करीब करीब 250 संस्थाएं हैं देश में, और विदेश में भी करीब करीब 100 हैं। आज के युग में हम देख रहे हैं किस तरह से युवा और वयस्क भी भटके हुए हैं, नैतिकता से च्युत हो चुके हैं और ऐसा जीवन जीते हैं जैसा कि एक इंसान के लिए बहुत ही शर्मनाक है।